करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड एक्स वाई इक्वल टू 10x। तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन था हमारे, ये है लीनियर क्वेश्चन इस टाइप के, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो y कितना आ जाएगा, p कितना आ जाएगा हमारा, y y है तो p कितना होगा हमारा सेकेंड x, q कितना होगा, q होगा हमारा 10x। ठीक है, उसको क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई लिखते हैं इंटीग्रेशन में पी डी एक्स करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ई ऐसे रहेगा, पी की जगह क्या आ जाएगा, पी की जगह सेकेंड एक्स, तो इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स डी एक्स। और सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं हम, सेकेंड एक्स का होता है ई का लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x। ठीक है, सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x, ये आ गया, तो इंटीग्रेट फैक्टर ही आ गया, ई से लॉग कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस 10x, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू लिखते हैं इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ठीक है, इसको करते हैं तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, वाई ऐसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है सेकेंड एक्स प्लस 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है, क्यू है 10x, तो यहाँ देखेंगे 10x और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया था हमारा सेकेंड एक्स प्लस 10x और dx। इसको सॉल्व करेंगे तो y ये तो सेम रहेगा सेकेंड एक्स प्लस 10x इक्वल टू, इसको खोल देंगे, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10x और सेकेंड एक्स प्लस ये वाला इससे होगा तो हो जाएगा 10x² dx, यहाँ भी लगा देंगे dx, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाई सेकेंड एक्स प्लस 10x, ये हो गया सेकेंड एक्स 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है सेकेंड एक्स प्लस 10x 10² x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे y सेकेंड एक्स प्लस 10x इक्वल टू इसका सेकेंड एक्स आएगा प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब प्लस c हमारा आंसर आ गया y सेकेंड एक्स प्लस 10x इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस 10x माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया।